बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार, सो आज मैं आपके लिए फुलकियों की, जिसको हम भलियां भी बोलते हैं, जिसको हम पकौड़ियाँ भी बोलते हैं, परफेक्ट रेसिपी लेके आया हूँ। इसको खूबसूरत कैसे करना है, क्रिस्पी कैसे करना है, इसमें कौन सा फ्लेवर जाएगा, इसको किस तरह से आप 3 से 4 माह तक महफूज कर सकते हैं, एक दफ़ा बनाएं और पूरा रमज़ान खाएं। रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 टीस्पून आपने अजवाइन लेनी है, ठीक है, और इसको आपने कूट लेना है। ये बहुत अहम है, इसको आपने ऐसे ही करना है। तो बहुत ही आसानी से ये कूट जाएगी, पीस जाएगी। इसको अब हम करते हैं साइड पे। एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे और यहाँ पे हमारे पास बेसन 2 कप। बेसन को अच्छे से छानकर आपने यूज़ करना है और कोशिश करनी है जब इसको खरीदें तो खुशबूदार बेसन लें और थोड़ा सा येलोइश कलर का हो, ना कि वाइट और बगैर खुशबू के जो मिलावट वाला होता है। तो 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, ये लें जी। और अभी जो हमने अजवाइन कूटी थी 1/4 टीस्पून, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ लोग इसमें ज़ीरा भी ऐड करते हैं, लेकिन जब अजवाइन इसमें चलेगी तो आई थिंक वो काफ़ी है। ज़ीरे से टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा आपने इसकी कंसिस्टेंसी कैसी बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं मैयर करके सभी चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। 1 कप मैंने कम्प्लीट पानी का इसमें ऐड कर दिया है और इसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने पानी इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर 1 कप फिर भर के ले आया हूँ, लेकिन 1/2 कप जस्ट मैंने इसमें ऐड किया है और इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, चलें जी, अभी और भी इसमें चीज़ें ऐड होंगी, वो आपको आगे जाके बताऊंगा। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे तकरीबन हमें कंसिस्टेंसी मिल चुकी है 1 चम्मच और जस्ट, ठीक है। तो ये लें जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, इसकी मिक्सिंग ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके अंदर ना एक कह लें कि एक शाइन लेके आनी है, इसको फ्लफ़ी करना है। तो माशाल्लाह से ये परफेक्ट हो चुका है बैटर और ये 1/2 कप पानी बच गया, मतलब कि 1.5 कप पूरा पानी आया है 2 कप बेसन के अंदर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब आपने इसको स्टे देना है कम से कम 15 से 20 मिनट का। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट बाद अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि ये मज़ीद स्मूथ हो जाए बैटर और क्रिस्पी बने हमारी पकौड़ियाँ या भलियाँ। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून खाने का जो सोडा होता है, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, वो ऐड करूँगा। 1/2 टीस्पून इसके अंदर काफ़ी होगा। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये स्टे के बाद आपने ऐड करना है, ठीक है, स्टे से पहले नहीं आपने ऐड करना, बिल्कुल एंड पे। और दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म कर रखा है। अब इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें जर्दा कलर ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है, ना हो तो कोई बात नहीं। अब इसको आपने किस तरह से फ्राई करना है, बहुत अहम बात है, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप मैं आपको तफसील से बताऊँगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे लो फ्लेम है ऑयल का, ठीक है, और ये चावल बनाने वाली हमारी जो सिपी है, ये है हमारे पास, इसको खमखीर भी बोलते हैं। तो इसके सुराख थोड़े से मोटे वाले आपने लेना है। अब बैटर को इसके ऊपर ऐड करेंगे, बैटर की कंसिस्टेंसी देख लें, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखें बनना शुरू हो गई। यहाँ पे फ्लेम जो है इतना होना चाहिए कि ये फ़ौरन से वजूद में आ जाए, ठीक है। चलें जी, अब ये देखें, इसको साइड पर करते हैं। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को लो कर देना है और इसको आपने अंदर तक पकने देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट ये ले जाती हैं और जब आप इनको टच करेंगे तो आपको फील होगा ये हार्ड हो चुकी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं, स्ट्रांग हो चुकी हैं। तो लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, ठीक है। अगर हाई फ्लेम पे पकाया, ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ये सख्त नहीं होगी, हमने इनको सख्त करना है, ठीक है, क्रिस्पी करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए, तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब आपने इनको एक दफ़ा रख के ना ठंडा कर लेना, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी क्रिस्पी है, ये देखिए आप, ये नरम नहीं है, बिल्कुल क्रिस्पी है, जिस तरह से पापड़ होता है, ठीक है। ये देखिए आप, मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अब आपने इनको सेव कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे जो टेस्ट हैं कम्प्लीट हो चुके हैं। ये है हमारे पास एक बैग, लॉक वाला जिपर लॉक बैग। अगर ये ना भी अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं, जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं ना घरों पे, एयर टाइट, आप उनमें भी इनको सेव कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है और इसको आपने किसी भी खुश जगह पे रख देना है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इसको आप 2 से 3 माह तक पूरा रमज़ान यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पकौड़ियाँ भी बोलते हैं, भलियाँ भी बोलते हैं और इसको बहुत से इसके मतलब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके इलाके में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। तो इसी के साथ इंशाल्लाह मैं जल्द आपको दही बड़े की भी रेसिपी दूंगा कंप्लीट, जब आपने इसको यूज़ करना है इस तरह खुश चम्मच के साथ आप अंदर से निकालें और निकालने के बाद आप दोबारा इसको बंद करके इस तरह से रख दीजिए जी, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।